आप देख रहे हैं TNB। आज विश्व NGO दिवस है। ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को NGO के प्रति जागरूक करना और NGO में कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है। भारत में भी NGO यानी गैर सरकारी संगठन कार्यरत है। इस संगठन से जुड़े लोग जरूरतमंदों और जीवों की मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़कर NGO के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर लोगों की मदद करते हैं। तो आइए आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विश्व NGO दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व NGO दिवस मनाया गया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश मानवतावादी मार्किश लियोर्स स्कॉट मानस ने पेश किया था, जिसे बाल्टिक सागर NGO फोरम द्वारा मान्यता दी गई थी। यह मान्यता 17 अप्रैल 2010 को मिली थी। इसके बाद 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व NGO दिवस मनाया गया। इसमें बाल्टिक सागर NGO फोरम के सदस्य शामिल थे। समय के साथ इस फोरम अन्य देश में भी जुड़ते गए और आज दुनिया भर में NGO दिवस मनाया जाता है। अब आप सभी को बताएंगे NGO दिवस के महत्व के बारे में। साथ ही हाथ बढ़ाना, इस मकसद से NGO से जुड़े लोग दिन रात मेहनत कर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसके लिए वो कोई शुल्क नहीं लेते, हालांकि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत में NGO का विशेष महत्व है। वहीं भारत में गैर सरकारी संगठन दूर इलाकों में बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण और इन सब चीजों के लिए कार्यरत है। ऐसा माना जाता है कि जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां गैर सरकारी संगठन के जरिए सरकार पहुंचने की कोशिश करती है। सरकार NGO को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर सम्मानित भी करती है। तो ये थी विश्व NGO दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज विश्व NGO दिवस है, इसका इतिहास और महत्व कितना ही अहम है, आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें जानी। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।